हम दान में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। दान हमें वहां करना चाहिए वहां जीवन में जरूरत हो। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं, विकारियों को भीख देने वाला कभी अमीर नहीं होता है। समझ गए? भीख और दान में बड़ा अंतर है। दान क्या है? जो हम यहां कथा सुना रहे हैं, ये जो आप दे रहे हो इसका नाम है दान। मैं आपसे मांग नहीं रहा, आपको कोई कह रहा है नहीं। वहां वो हाथ फैला के जो देता है उसे भीख कहते हैं, और भीख देने वाला गरीब होता है, अगले जन्म में याद रखना। और दान देने वाला धनवान होता है। हमने आपको कुछ दिया तो आपने हमें दिया, इसे दान कहते। जैसे भगवान शंकर को कथा कुंभ ने सुनाई थी ना, उन्होंने हरि भक्ति का दान दिया था रामायण, उसे कहते दान। और दान का प्रमाण क्या है? जब आप दान देते हो ना तो दान का फल यह है राम का दर्शन। राम का दर्शन हुआ था कि नहीं? पर आप मुझे कोई इतिहास हिस्ट्री में बताइए, भीख देने वाले भिखारियों को अमीरों को कोई धनवान बनाओ या भगवान मिलाओ। दान कहां करना है? जिसने आपको कुछ दिया उसका 100 गुना आप वापस लौटाएं। जो भगवान की कथा का एक एक शब्द आप सुन रहे हैं, इनका कोई मोल है? पर आप कहां देते हो? भीख देना आपको अच्छा लगता है। और बहुत बड़े संत की बात बता रहा हूं, जो भीख देता है वो अगले जन्म में भिखारी होता है, और दान जो देता है वो धनवान होता है। इसलिए हमारे ग्रंथों में भी और सरकार भिखारियों को भीख देने को मना करती है। वो लोग करती है कि नहीं? भीख देना है कि दान देना है? एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण, एक व्यक्ति हमारे यहाँ विवाह के योग्य लड़की होती है, आदर्श विवाह करता है, दहेज लेके करता है। दोनों विवाह एक ही है कि अलग अलग है? दहेज मांगने वाला कभी धनवान नहीं होता, वो गरीब होता। पर कोई कहते हैं ना, दुल्हन ही दहेज है, हमारी यूपी की बसों में लिखा रहता है। लक्ष्मी है, आती है ना, भाग्य लेकर आती है, धन लेकर नहीं आती। जो बहू घर में आई है वो भाग्य लेके आवे और दहेज लेके आवे, कौन सा विवाह श्रेष्ठ है? पर आप लोग ओड़ी लेके आए उसको ही अच्छा मानते हैं। गाड़ी लेके आई है हमारी बहू, पर याद रखना गाड़ी से कुचल के तुम्हें मारेगी, तुम नहीं तो मांगी। और देखो कितनी मूर्खता है हमारे देश में, गाड़ी में वो बैठेंगे लोग गाड़ी मांगते हैं, तुम तो नहीं बैठते? जिन्होंने गाड़ी मांगी होगी अपने लड़के की शादी में, तुम बैठे कभी उस गाड़ी में? कौन बैठता है? सोना चांदी पैसा मांगते हैं, वो पैसा कभी तुम्हारे यूज हुआ? पर सास ससुर कितने मूर्ख है, पैसा वही दहेज मिली, इतना तो चाहिए, हमने इतना लगाया है उसके लड़के को, इतना मिल गया, इतना तो दे ही दो। अरे मूर्ख राज बाप, तेरे काम की चीज नहीं है। अगर उनको गाड़ी चाहिए तो ले आए, पैसा टका चाहिए तो ले आए। विवाह हमेशा आदर्श विवाह होना चाहिए, 1 रुपए वाला। दान कोई देता है तो मना नहीं करना चाहिए। स्वेच्छा से जो दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और मांग के लिया जाता है? ए बाबू चल देखे ना, बड़ा प्रदर्शन कर। जब मांग के दिया जाए उसे भीख कहते हैं, और भाव से जो दिया जाए उसे दान। जो कथा आप सुन रहे हैं या दान कर रहे हैं, मैं आपको भी कुछ दे रहा हूं, आप भी हमें कुछ दे रहे हैं, ऐसा नहीं है।